उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में नदियों का विशाल रौद्र रूप बहुत ही भयावह प्रतीत हो रहा है। नदियों की ऐसी विशालता और रौद्र रूप से कई गांव सहित जनपद के काफी सारे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। आज जनपद में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने क्षेत्र का भ्रमण कर जन समस्याओं को जाना। इसके साथ ही मंत्री ने इन नदियों के बढ़ रहे जल के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस तरह से निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए, राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा, सबकी मदद सरकार करेगी, उनके साथ सरकार खड़ी है। सर आपके द्वारा अभी कुछ राशन सामग्री लेके जाई जा रही है, क्या है, क्या क्या पहुंचाया जा रहा है? अभी हम लोग गांव तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और जहां जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति की जाएगी। बाढ़ से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं रहेगा, सरकार उनके साथ है। सारी हमारी मशीनरी, जिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार, सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हैं और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित न रहे और जो भी फसल आदि का नुकसान हुआ है उसको जिलाधिकारी सर्वे कराएंगे और जो भी फसल में हम लोग मुआवजा दे सकते हैं वो मुआवजा उनको मिलेगा। किसान बीमा योजना के तहत तो पैसा मिलेगा और जो भी प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो फसल का बीमा होता है, मैं जिलाधिकारी से ये कहूँगा कि जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं जिनकी भी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको भी मुआवजा सरकार देगी। सर लगभग कितने गांव चपेट में बांदा जनपद के बाढ़ है? अब दर्जनों गांव हैं जो किनारे किनारे के हैं, क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ है और उसी के बैक पानी से केन नदी से प्रभावित जो गांव किनारे किनारे हैं, तो हमारी समझ में कम से कम 50 गाँव होंगे जो बांदा जनपद के बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन ऐसी तादाद में नहीं प्रभावित है कि उनको गांव खाली करना पड़ रहा हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो। जानवरों के लिए भी जो चारे आदि की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी।